हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं हो गई है, गुड आफ्टरनून ही है अभी, सॉरी गाइस. गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द सेशन. तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट्स ऑफ टमाटो, यानी कि टमाटो में कौन से मेजर इंसेक्ट आते हैं और क्या उनके डैमेजिंग सिम्टम्स होते हैं. क्लास शुरू करने से पहले जो भी लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे. आप अड्डा की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गो इन द प्ले स्टोर, टाइप AAA247. इस ऐप में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आप इसमें क्विज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो डाउनलोड द ऐप नाउ. बात करेंगे आपके बैचेस की, तो आप सभी को पता है एग्रीकल्चर महापैक का मतलब क्या होता है, महाधमाका, राइट. सो इट इज जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन, जैसे आप डिश टीवी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं. अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं पूरे साल अड्डा पर, एग्रीकल्चर अड्डा पर जो भी एग्रीकल्चरल एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्लासेस हो रही हैं, वो सभी लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं पूरे साल. साथ ही साथ आपको ई नोट्स और बुक्स भी, यहाँ पर टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है, इंक्लूडेड होता है. तो चाहे आप हरियाणा एडीओ के लिए प्रिपेयर करें, चाहे एफसीआई के लिए, चाहे नाबार्ड के लिए या एएफओ के लिए, सभी क्लासेस इसमें अवेलेबल होती हैं. यू कैन एनरोल इन द बैच. हाउ टू एनरोल इन द बैच, आई विल टेल यू इन द एंड सेशन. एंड में आपको बताएंगे कैसे इनमें एनरोल करना होता है. एनरोल करने के लिए आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, विच इज Y448. 4+4 8 होते हैं. चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई एम ऑल ओके बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. और क्या लगता है ये इंसेक्ट, छोटा सा येलो येलो कलर का, कौन सा इंसेक्ट हो सकता है टमाटो का? आइडेंटिफाई द इंसेक्ट, इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन सा इंसेक्ट हो सकता है. गुड आफ्टरनून राहुल, पूर्वी, वैभव और वैभव, आई डोंट नो स्पेलिंग गलत है या प्रोनाउंसिएशन. चलिए गुड आफ्टरनून सुबु, सुपरवाइजर का सुबु अभी कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है आप लोगों का. चलिए आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द इंसेक्ट ऑफ द टमाटो, ये टमाटो का कौन सा इंसेक्ट है बच्चे, आइडेंटिफाई कीजिए. फ्रूट फ्लाई, सही जा रहे हो थोड़ा थोड़ा. सो इट इज लीफ माइनर, ठीक है, इट इज अ लीफ माइनर. इसको कहते हैं सर्पेंटाइन लीफ माइनर. सर्पेंटाइन का मतलब होता है ना सांप जैसा, है ना, तो ये क्योंकि गैलरीज बनाता है सांप जैसी, तो इसका नाम है सर्पेंटाइन लीफ माइनर, राइट. तो अब आते हैं साइंटिफिक नेम पर, क्या है इसका साइंटिफिक नेम, द साइंटिफिक नेम ऑफ द लीफ माइनर. लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम क्या है? लिपोफिस एरिस्मी, एनोमिस सैबुलिफेरा, लिरियोमाइजा ट्राइफोलिया और एंटीगेस्ट्रा कैटालिनिस. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लीफ माइनर, ए बी सी या फिर डी? क्या होगा आंसर? लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम क्या है? Yes, it looks like a fly and you are very true. So, leaf miners do look like a fly, okay? So, like a sawfly hai and other flies hai, house fly hai. Usi ki tarha jo hai aapke leaf miners dikhai dete hai, right? Chali, scientific name of leaf miner is Liriomyza trifolia. Liriomyza trifolia jo hai aapka scientific name hai. राइट, लिरियोमाइजा ट्राइफोलिया, ठीक है. चलिए अब देखते हैं ये किस फैमिली या किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, है ना. तो पहले बारी है फैमिली की, किस फैमिली से आपका लीफ माइनर बिलोंग करता है? कॉक्सिनेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है, पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है, एग्रोमाइजिडी फैमिली से बिलोंग करता है या एफिडी फैमिली से बिलोंग करता है? लीफ माइनर इनमें से किससे बिलोंग करता है? यस, वेरी वेरी ट्रू,
एग्रोमाइजिडी फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू एग्रोमाइजिडी फैमिली, है ना। तो एग्रोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए खराब है, हमारी यील्ड को हैम्पर करता है, तो एग्रोमाइजिडी फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। तो सी इज द आंसर। ऑर्डर ऑफ लीफ माइनर, लीफ माइनर का ऑर्डर कौन सा है, कोलियोप्ट्रा, हेमिप्ट्रा, थाइसिनोप्ट्रा और डिप्ट्रा। ऑर्डर ऑफ लीफ माइनर, लीफ माइनर किस ऑर्डर से बिलोंग करेगा, टू विच ऑर्डर द लीफ माइनर बिलोंग्स टू। बताइए, गेसेस। डिप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करेगा, किससे करेगा, डिप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करेगा। तो अब पता चला वो मक्खी जैसा या फ्लाई जैसा क्यों दिख रहा था, क्योंकि वो सेम ऑर्डर से बिलोंग करता है जिससे आपकी फ्लाइज बिलोंग करती हैं, राइट। तो ये डिप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली इतने ही है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं और टमाटो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या मेजर इंसेक्ट नहीं है, तो आज हम सारे ही कवर कर लेंगे, राइट। तो ये जो है आपका सर्पेंटाइन लीफ माइनर, इसके जो खास बात है या जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, ये क्राइसेंथेमम के साथ जो है अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्राइसेंथेमम आपका फ्लावर है, क्राइसेंथेमम कटिंग्स के साथ ये इंसेक्ट उनके साथ जो है फ्री में आ गया था, हम इसको लेके नहीं आना चाह रहे थे, राइट। सो इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया थ्रू क्राइसेंथेमम कटिंग्स एंड इट इज ऑफ पेल येलो इज फ्लाई, है ना, हमने देखे लिया है फ्लाई येलो पेल कलर की है। द फ्लाई पंचर्स द अपर सरफेस एंड लेज द एग सिंगली, ये आपके जो लीफ के ऊपर का सरफेस है वहां ऊपर वाले हिस्से में पंचर करती है और फिर जो है अंडे देती है। अगर आप लोगों ने कभी रोटी पे घी रख के खाया होगा, है ना, तो क्या करते हैं उसमें, यू हैव योर चपाती, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम अलग करके उसको थोड़ा सा टेयर करते हैं और उसके अंदर घी डालते हैं। तो समथिंग लाइक दिस ये ऐसे ही करती है, ऊपर का जो लेयर उसको टेयर करती है और अंदर की तरफ एग लेइंग करती है ताकि वो ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रहे, उन्हें कोई डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है। Then you have the egg hatches in 4 days, 4 दिनों में जो है इन इसके eggs जो है they will hatch and उससे क्या निकलेगा, फिर maggots निकलेंगे, right? So the maggots feeds on the chlorophyll lining between the epidermal layer. और ये जो maggots निकल रहे हैं इन egg से, ये आपके leaf में आपके पत्ते में जो chlorophyll है उस पर feed करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से लीफ माइंस जैसे सिम्टम्स इस लीफ में दिखाई देंगे लेटर स्टेज पर, जब ये अच्छा खासा खा चुका होगा। देन लीव्स विद अ सर्पेंटाइन माइन, ये आपका सिम्टम है, क्या सिम्टम दिखेगा, आपकी लीव्स दिखेंगी सर्पेंटाइन माइंस के साथ, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गलियों के साथ जैसे कि सांप चलता है, तो इसको कहते हैं सर्पेंटाइन, ठीक है। माइंस यानी कि जैसे कि गुफाएं, तो ये अंदर अंदर लीफ में जो है अपनी टेढ़ी मेढ़ी गुफाएं बनाता रहता है, सर्पेंटाइन लीफ माइनस बनाता है, ठीक है। चलिए अगला है, और क्या दिखेगा आपको, ड्राइंग ड्रॉपिंग ऑफ द लीफ, है ना, ड्राइंग ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स, जो आपकी लीफ है उसमें ड्राइंग शुरू हो जाएगी, सूखना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी इन द सीवियर केसेस ऑफ द लीफ माइनर। सूखेगी तो सही भाई, जब वो क्लोरोफिल पर फीड कर रहा है, वो क्लोरोफिल खा रहा है, पत्ते का क्लोरोफिल खत्म हो रहा है, तो क्या वो लीफ सूखेगी नहीं, सूख जाएगी, है ना, उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो फुल ग्रोन मेगेट्स हैं, दे लास्ट फॉर द 7 days एंड देन प्यूपेशन हैपेंस। प्यूपेशन यानी कि रेस्टिंग स्टेज, जहां पर इंसेक्ट जो है रेस्ट करता है और एडल्ट बनकर बाहर निकलता है, राइट। सो प्यूपेशन इज इन सॉइल, प्यूपेशन कहां होती है, इसकी सॉइल में होती है, यानी कि पेड़ पर प्यूपेशन नहीं करता, पेड़ पर रेस्ट नहीं करता है, रेस्ट कहां करता है बच्चे, ये आपका सॉइल में करता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सम प्यूपा आर फाउंड इन लीव्स, कुछ एक आधे प्यूपा जो है आपको लीव्स पर देखने को मिल जाएंगे। टोटल लाइफ साइकिल इसकी सिर्फ 3 वीक्स की होती है, सिर्फ 3 वीक्स की, है ना। 3 हफ्तों में बिचारी जी लेती है, मर लेती है, अंडे दे देती है, बड़ी हो जाती है, सब कुछ 3 हफ्ते में कर लेती है। जनरली इट डज नॉट कॉज एनी इकोनॉमिक डैमेज टू द जो आपका टमाटो है ना, तो इस पे एडल्ट स्टेज इतना डैमेज नहीं करती जितने मेगट्स डैमेज करते हैं। मैनेजमेंट के लिए आप इसमें नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं 5 ml/L के हिसाब से, एंडोसल्फान का यूज कर सकते हैं 2 ml/L के हिसाब से, कार्बरिल का यूज कर सकते हैं 3 g/L के हिसाब से एज फोलियर स्प्रे। तो इसके कंट्रोल के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, एंडोसल्फान, कार्बरिल एंड नीम ऑयल, ये 3 जो है आप इसकी मैनेजमेंट में इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आता है ये आपकी लीफ माइनिंग है, ठीक है। इस तरीके की आपकी लीफ माइनिंग दिखाई देगी। लीफ में आपको ये जो व्हाइट कलर का मार्किंग दिखाई दे रहा है, दिस इज द लीफ माइंस। तो इस तरीके से लीफ में अंदर माइंस बनाता है, व्हाइट कलर की गैलरीज जो है आपको दिखती हैं। यहाँ देखिए ये आपका जो है मेगट है, ये भी लाइट येलोइश कलर का होता है। दिस इज मेगट, यानी कि अंडे से ये मेगट बाहर निकलता है। बड़ा होके ये कैसा दिखता है, जैसे हमने फर्स्ट फोटोग्राफ देखा है ऐसा दिखता है ना। ये इसकी प्यूपा स्टेज है, प्यूपा स्टेज के बाद ये एडल्ट स्टेज में आ जाता है। सो दीज आर द फोटोग्राफ्स रिलेटेड टू योर लीफ माइनर। चलिए अगला चलते हैं और देखते हैं इस इंसेक्ट को कौन पहचानता है, ये कौन सा इंसेक्ट है। ये कौन सा इंसेक्ट है बच्चे, आइडेंटिफाई द इंसेक्ट। कोई तो पहचानो भाई, बहुत कॉमन है, सब जानते हैं इसको, एवरीबडी नोज दिस इंसेक्ट, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। ये टमाटो का कौन सा इंसेक्ट है, फ्रूट बोरर, राइट। तो ये क्या है आपका, कैटरपिलर भी राइट है, डोंट वरी। टमाटो फ्रूट बोरर है ना, टमाटो फ्रूट बोरर कह लीजिए, टबैको कैटरपिलर कह लीजिए, वन इन द सेम थिंग, राइट। तो ये है आपका फ्रूट बोरर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस इंसेक्ट। इस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, What is the scientific name of the tomato fruit borer? Asphodelia है, Helicoverpa है, Aporemia है या Leucinoids है? What is the scientific name of fruit borer? A, B, C या फिर D? क्या होगा आंसर? Yes, Helicoverpa armigera है ना, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका साइंटिफिक नेम है। मैंने कहा था ना सभी लोग इसको जानते हैं, हेलिकोवर्पा को नाम से तो हम सब जानते हैं, शक्ल से भी जान लीजिए जरूरी है। तो इसकी एडल्ट स्टेज जो है मोथ स्टेज होती है, जिसमें 100 कलर की मोथ होती है। अगर वो फोटोग्राफ लगाई जाती तो आप फटाफट से पहचान लेते कि ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। लेकिन इसकी जो डैमेजिंग स्टेज है वो लार्वा स्टेज होती है, तो इसको भी पहचानना जरूरी है, राइट। सो दिस इज हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट टमाटो फ्रूट बोरर, राइट। तो टमाटो फ्रूट बोरर को हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा भी कहा जाता है, इसी को स्पोडिप्टेरा लिट्यूरा भी कहा जाता है, है ना। तो ये दोनों आपके साइंटिफिक नेम हैं जो आपके टमाटो फ्रूट बोरर के नाम से जाने जाते हैं। नॉक्टुडी फैमिली से ये बिलोंग करता है, मैंने हमेशा आपको बताया है, हर क्लास में मैंने आपको बताया है। आपका 2 मेजर इंसेक्ट हैं, हेलिकोवर्पा एंड स्पोडिप्टेरा, दोनों ही मेजर इंसेक्ट पॉलीफेगस हैं, काफ़ी सारी क्रॉप्स पर अटैक करते हैं और दोनों ही नॉक्टुइडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
यानी कि दोनों क्या है, नाइट में एक्टिव रहते हैं, रात के टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसीलिए इनको जो है नॉक्टुडी फैमिली में डाला गया है ना। नॉक्टुडी फैमिली से फीलिंग आती है रात वाली, तो ये दोनों ही जो है रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, लैपिडोप्टेरा इनका ऑर्डर है, अगर कैटरपिलर है और मोथ बन रहा है बड़ा होकर, तो हम सभी जानते हैं मोथ और बटरफ्लाई दोनों ही लैपिडोप्टेरा ऑर्डर में आती है। द लार्वा बोर्स इनटू द फ्रूट एंड मेक्स देम अनफिट फॉर कंजप्शन। अगर आपका कीड़ा ये घुस गया है आपके टमाटो के फ्रूट में, सो इट मेक्स इट अनफिट फॉर कंजप्शन, तो इसके लिए जो है हमें फ्रूट को बचाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बोर्ड फ्रूट विद राउंड इररेगुलर होल्स, आपको इररेगुलर होल्स या राउंड होल्स मिलेंगे। ठीक है, राउंड होल्स कब मिलेंगे, जब हेलिकोवर पार में जरा होगा तब आपको राउंड होल्स मिलेंगे, यानी कि छेद जो है प्रॉपर राउंड शेप का होगा। अगर इररेगुलर होल्स हैं तो स्पोडिप्टेरा लिटूरा है ना, तो ये इनकी पहचान आप कर सकते हैं। परफेक्टली राउंड होल है तो हेलिकोवर पार में जरा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसने बनाया है तो वो आपका स्पोडिप्टेरा लिटूरा है। सो लाइफ हिस्ट्रीज वर डिटेन अंडर द पेस्ट ऑफ द कॉटन, हम कॉटन के अंदर इनको पढ़ चुके हैं तो यहाँ दोबारा नहीं पढ़ेंगे, दोबारा दोबारा से उसी चीज को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, लेट्स सेव सम टाइम। ओके, तो स्प्रे द एप्लीकेशन इज एंडोसल्फान, एंडोसल्फान का स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट। चलिए चलते हैं आपके अगले इंसेक्ट की तरफ। सो आइडेंटिफाई दिस इंसेक्ट, इस इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा इंसेक्ट है ये, व्हाइट व्हाइट नेता टाइप्स, कौन सा इंसेक्ट है बच्चे, तो ये है आपका व्हाइट फ्लाई, कौन सा है, व्हाइट फ्लाई। अब आप इसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा कि शुगरकेन टॉप बोरर भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन शुगरकेन टॉप बोरर के जो पंख है उनके ऊपर फेदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बड़ा गुफी गुफी सा लगता है, जैसे बिल्ली के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, इसके ऊपर वो प्रेजेंट नहीं होते, ये क्लीन दिखता है। बाकी फोटोग्राफ में ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा, रियल लाइफ में देखेंगे तो पता चलेगा कि शुगरकेन टॉप बोरर इससे काफी अलग दिखता है, राइट। सो यस यस यस, सभी का जो अनुमान है वो बिल्कुल सही है, ये है आपकी व्हाइट फ्लाई, कौन सी है, व्हाइट फ्लाई है। चलिए अगले इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ द व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चे, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट फ्लाई, यस एवरीबॉडी नोज दिस है ना, सब जानते हैं इसके बारे में, इसका नाम क्या है, बेमेसिया टबेकाई है ना, बेमेसिया टबेकाई, और ये भी आपके हेलिकोवर्पा और स्पोडिप्टेरा की तरह पॉलीफेगस पेस्ट है ना, ये भी पॉलीफेगस पेस्ट है, यानी कि काफी सारी क्रॉप्स पर जो है व्हाइट फ्लाई को देखा जाता है ना, कॉटन में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, दो हम इसको भी जो है कॉटन में पढ़ चुके हैं, और इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है आज हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस पर काफी सारे केमिकल्स काम नहीं करते, जो काम करते भी हैं तो वो थोड़े टाइम बाद काम करना छोड़ देते हैं, यानी कि ये इंसेक्ट जो है बहुत जल्दी अपने अंदर किसी भी इंसेक्टिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस ले आता है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना हमें भारी पड़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेमेसिया टबेकाई। ऑर्डर ऑफ व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, हेमिप्टेरा, हेमनोप्टेरा, फाजमीडा या डिप्टेरा, व्हाइट फ्लाई किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, हेमिप्टेरा, हेमनोप्टेरा, फाजमीडा या डिप्टेरा, बताइए फटाफट से,
ऑर्डर ऑफ व्हाइट फ्लाई, हेमिप्ट्रा, हिम्नोप्ट्रा, पाजमिडा और डिप्ट्रा? द आंसर इज ए, हेमिप्ट्रा। हेमिप्ट्रा ऑर्डर से आपकी व्हाइट फ्लाई जो है बिलोंग करती है। हेमिप्ट्रा ऑर्डर से और कौन बिलोंग करता है बच्चे, बताओ फटाफट से। व्हाइट फ्लाई हेमिप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करती है। हेमिप्ट्रा ऑर्डर से और कौन बिलोंग करता है? बग्स, बग्स। ओके, प्लांट वर्क्स जनरली आपके हेमिप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, है ना। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो इसके जो हाफ विंग्स हैं वो इलाइट्रा टाइप्स होते हैं और हाफ मेम्ब्रेनियस टाइप्स होते हैं। एक ही विंग में, ये आपका विंग है, विंग नहीं बन गया, ये लीफ बन गई है ना, ये आपका विंग है। तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है, नीचे वाला पार्ट मेम्ब्रेनस होता है, ऊपर वाला पार्ट हार्ड होता है, इलाइट्रा टाइप का होता है। तो एक ही विंग में आधे आधे पोर्शन होते हैं, तो इसको हाफ इलाइट्रा और हाफ मेम्ब्रेनस होता है, इसीलिए इसके ऑर्डर का नाम क्या है? हेमिप्ट्रा है। हेमी यानी कि आधा, ठीक है। तो इसके आपके जो है बग्स, सारे प्लांट बग्स किससे बिलोंग करते हैं? हेमिप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। चलिए, सो व्हाइट फ्लाई, यू वेरी वेल नो द नेम ऑफ द व्हाइट फ्लाई, बेमेसिया टबेकाई। इसकी फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली है एल्यूरोडीडी फैमिली, ठीक है। क्या है इस फैमिली का नाम? एल्यूरोडीडी फैमिली। तो इसकी फैमिली जो है कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा इसकी फैमिली का नाम क्या है? एल्यूरोडीडी फैमिली है। हेमिप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करता है, हमने अभी पढ़ा है। निम्फ एंड एडल्ट दोनों ही स्टेजेस इसकी जो है खतरनाक होती है हमारे लिए, क्योंकि ये क्या करता है? आपके लीफ से सैक को सक करता है, राइट। सो द निम्फ्स एंड द एडल्ट्स सक द सेल सैप फ्रॉम द लीव्स एंड क्लोरोटिक स्पॉट्स डेवलप ऑन द लीव। क्लोरोटिक स्पॉट्स डेवलप ऑन द लीफ यानी कि आपकी जो लीफ होती है उस पर कहीं पर आपको येलो येलो या व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है क्लोरोटिक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर, ठीक है। येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ लीफ यानी कि अब लीफ जो है पीली पड़ने लगेगी, सूखने लगेगी। इट हैज बीन रिपोर्टेड एज वेक्टर फॉर टमाटो लीफ कर्ल डिजीज। ये हम आपके कॉटन में भी पढ़ चुके हैं, कॉटन में भी जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस होता है वो व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टबेकाई के कारण आता है। टमाटो में टमाटो लीफ कर्ल वायरस किसकी वजह से आता है? अगेन व्हाइट फ्लाई की वजह से आता है। ये इसका जो है वेक्टर की तरह परफॉर्म करता है, जैसे आपको मलेरिया हो जाता है ना मच्छर काटने से, ऐसे ही प्लांट को ये वायरल डिजीज हो जाती है व्हाइट फ्लाई के आने से, है ना। चलिए, क्या आप इसके कंट्रोल के लिए कर सकते हैं? प्लकिंग एंड बर्निंग ऑफ द लीफ कर्ल वायरल डिजीज। जो आपकी डिजीज जिन लीफ में आ सकते हैं उनको प्लक कीजिए, तोड़िए और उनको जला दीजिए, ये काम आप कर सकते हैं। आप डाइमिथोएट का यूज कर सकते हैं, मिथाइल डेमेटोन का यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो डिजीज अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है, राइट। तो ये जो है आपके व्हाइट फ्लाई है, और व्हाइट फ्लाई जो है ये हमने कॉटन में पहले पढ़ चुके हैं, और आपका जो टबैको कैटरपिलर या टमाटो फ्रूट बोरर है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, एक्चुअली तो हम लीफ माइनर भी पढ़ चुके हैं, तो टमाटो में ऐसा कोई नया इंसेक्ट नहीं आता जो आपको बहुत रटना पड़े या याद करना पड़े। इट इज इजी पीजी गोइंग क्रॉप जिसमें आपके सारे रिपीटेड और याद करे हुए इंसेक्ट ही जो है मेजर इंसेक्ट है। तो टमाटो के ये तीन इंसेक्ट जो है मेजर इंसेक्ट है,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आज की हमारी स्लाइड्स का, टमाटो लीफ कर्ल वायरस जो कि व्हाइट फ्लाई से फैलता है. ब्रिंजल इज सफरिंग फ्रॉम व्हाइट फ्लाई. फॉर लाइक किचन गार्डन्स एंड ऑल यू कैन यूज द येलो स्टिकी क्लोथ्स. ठीक है, कुछ भी कार्डबोर्ड लीजिए येलो कलर का और उस पर कुछ भी लगा दीजिए जिससे कि वो फ्लाई इजीली उस पर चिपक जाए, है ना. इवन चाहे आप उसको बस गीला या चिकना भी कर लेंगे तो चलेगा. एंड जस्ट रन थ्रू इट, बहुत सारी व्हाइट फ्लाई जो है आपकी कार्डबोर्ड पर ही चिपक जाएंगी. तो ये वन ऑफ द इसका अच्छा कंट्रोल है. तो अब ऑफकोर्स आप इसको 10 एकड़ की जमीन में तो नहीं कर सकते, लेकिन किचन गार्डन के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, मैं आई एम फ्रॉम HAU PhD. सो आई डिड माई PhD इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, नॉट एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी से मैंने अपनी PhD नहीं की है, मैंने अपनी PhD जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से की है. एंड विजय कुमार, आई विल सी टू योर सजेशन. मैं आपकी सजेशन को एक बार ज़रूर नोटिस में लेके तो आई चुकी हूँ, बट कंसिडर भी करने की कोशिश करूँगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज. आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ाई करेंगे. तो आज आपकी जो है थोड़ी सी जल्दी छुट्टी हो गई है, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट जो आपके टमाटो के हैं वो काफी छोटे छोटे हैं और ऑलरेडी पढ़े हुए भी हैं. तो बाय गाइस, अगर आप साई का एग्जाम दे रहे हैं और न्यू पैटर्न पर एग्जाम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन द मॉक टेस्ट हियर. सो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सेम इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग नाबार्ड एग्जाम. जो भी बच्चे नाबार्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी जो है अपने मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट बैच में एनरोल कर सकते हैं. ये बैच केवल ऐसा नहीं है कि आप में कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर्स मिलेंगे, आप इन आंसर्स को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके उनको सॉल्व करेंगे. राइट, सो दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस बैच. कैसे इन बैच में एनरोल करना है आइए एक बार देख लेते हैं. सो जस्ट ओपन गूगल, टाइप Adda247 और पहली ही साइट आपको Adda247 की मिल जाएगी. वी आर फेमस यार दीज डेज, है ना. चलिए, तो जैसे हम नीचे जाएंगे और एग्रीकल्चर चूज करेंगे एंड यहाँ पर करेंगे व्यू ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो आपको अपने सारे बैचेस दिखेंगे. नाबार्ड का बैच, एग्रीकल्चर महापैक, फसाई मॉक टेस्ट, नाबार्ड मॉक टेस्ट, IBPS AFO, सारे बैचेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे. राइट, सो यहाँ से आप कोई भी बैच चूज कर सकते हैं जो आपको एनरोल करना हो. सारे एग्जाम्स देने हैं तो आप एग्रीकल्चर महापैक भी चूज कर सकते हैं. यहाँ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होता है कि महापैक में आपको क्या क्या मिलने वाला है. आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, हर कुछ जो है आपको एग्रीकल्चर महापैक में मिलने वाला है. If you feel worthy, if you feel connected with us, you can just go on buy now. जैसे ही आप buy now पर जाएंगे विंडो आएगी, यहाँ पर आपने कूपन कोड लगाना है Y448. जैसे ही अप्लाई करेंगे सो इसकी जो फीस है वो 32,000 से रिड्यूस होकर कहाँ आएगी 7,360 पर आ जाएगी. एंड पूरे साल इसमें आपको अपने सारे एग्जाम से रिलेटेड लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, साथ ही साथ इसमें टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे अपने नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए. गुड बाय एंड टेक केयर.